आज से 3 नए कानून लागू हो चुके हैं जिसकी जानकारी आपको होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इन 3 नए कानूनों के लागू होने से जो हमारा क्रिमिनल सिस्टम कानून है उसमें कई बदलाव होने वाले हैं। आखिर ये 3 नए कानून क्या हैं, वन बाय वन यानी एक एक करके हमें समझाएंगे प्रमोद कुमार मिश्रा जी, जो कि वरिष्ठ एडवोकेट है। मैं अधिवक्ता प्रमोद कुमार मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायालय लखनऊ से। हमारे मुख्यतः जो है 3 कानून जो है आज जो है बनाए गए हैं, और ये तीनों कानून ही हमारे देश के लिए हित में ही हैं। इनको समझने की और आने वाले समय में धीरे धीरे इस पर ड्राफ्टिंग हमको करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ये समझ रहे होंगे 75 साल हो रहे हैं, 75 साल से आपके ये जो कानून बनेंगे IPC, ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए थे, उनको हमारे ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया गया था, उसी लागू किया गया था, उसी के आधार पर आज तक की दंड प्रक्रिया संहिता उस पर चल रही थी। इस दंड प्रक्रिया संहिता IPC जिसे हम कहते हैं, इसे जो है सरकार ने दंड की जगह न्याय कर दिया है, ठीक है। दूसरा हमारा है समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता को समान न्याय संहिता बना दिया गया है। तीसरा साक्ष्य यानी एविडेंस एक्ट को भी इन्होंने जो है बदलाव करके कुछ इसमें जो सेक्शन थे उनको जो है संशोधित कर, जैसे कि ऐसे सेक्शन थे जिनमें जो है वादकारी कोर्ट तक तो आते थे, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वादकारी जो एक साल में जो है निर्णय हो जाना चाहिए, कोर्टों पे इतना बर्डन और इतना आपका जो है पेंडेंसी हो गई है कि एक एक कोर्ट पे एक एक दिन में 150-150 फाइल लगती हैं, वो सुनना भी चाहें तो दिन भर में 12 से 15, 15 से 50, इसके ऊपर कभी वो जा भी नहीं पाते हैं। तो इन्हीं सापेक्ष में इन मुकदमों को हमारी सरकार ने इसको संशोधित करने का प्रयास किया है। हमारे देश में बड़ी समस्या है, किसी के साथ कोई घटना हो जाती है तो वो संबंधित थाने पर अगर लोकल थाने में चला जाता है तो उसकी बात सुनी नहीं जाती, उसको हमेशा ही कहा जाता है कि आप जो है यह हमारे क्षेत्र का दायरे का थाना नहीं, आप यहाँ जाइए उधर जाइए, तो पीड़िता हमेशा परेशान होता है। आज इसमें एक संशोधन ये भी किया गया है कि 0 FIR के माध्यम से थानों को या संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया कि 15 दिन के अंदर इनकी FIR को आप लॉन्च करिए और संबंधित थाने को भेजिए, इसके बाद आपको 90 दिन का समय दिया गया है आरोप तय करने के लिए। कोर्ट में भी एक नियम आ रहा है जिसमें कोर्ट साहब को आरोप तय होने में 60 दिन के अंतर्गत इसमें सुन के इस पर जजमेंट देना है, जजमेंट के 7 दिन के अंतर्गत जो है 7 दिन में ही साहब को इसमें निर्णय सुना देना है, सजा या प्रावधान या जो भी जिस प्रकार की भी इम्प्लीमेंटेशन होगी वो कोर्ट को सुना के इसको तय करना है। और यदि किसी को लगता है कि हम बेवजह जो है इसमें फंस गए हैं और हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो राष्ट्रपति को भी वो 7 दिन के अंदर अपना जो है प्रार्थना भेज सकता है। लोग क्या कर रहे हैं आजकल, जो है एक नया जो है प्रावधान आपके लागू हुआ है कि साथ में रहने को रहते हैं, उसके बाद एक दूसरे को समझाते हैं कि हम आपसे शादी कर लेंगे, आपकी नौकरी लगवा लेंगे, उसके बाद जो है बरगला के उनको झूठ बोल के उनका दैहिक और मानसिक शोषण करते हैं। ये क्रूरता है, बहुत बड़ी क्रूरता है, लोगों के जीवन में इसमें जो है बड़ा दुष्प्रभाव होता है, इसको भी जो है दंड प्रक्रिया में इसमें जितना भी बड़ा दंड दिया जाए वो कम। पहले बयान जब होते थे तो पहले बयान जो है जो सापेक्ष अधिकारी होता था उसके संपर्क में होते थे, लेकिन इसमें बड़ा प्रावधान ये किया गया है कि महिला अधिकारी के समक्ष होंगे और परिवार का कोई भी सदस्य, माता पिता, भाई बहन या रिश्तेदार के समक्ष ही कर सकते हैं। कि बिलो 7 यानी 7 साल के अंदर के जो अपराध थे उनकी जो है और जो गंभीर प्रवृत्ति के अपराध है इसमें जो है 90 दिन के अंदर आरोप पत्र जो है पुलिस को जो है कोर्ट में सौंपने होते थे, ये 90 दिन से जो है इसको घटा के 60 दिन कर दिए गए। किसी प्रकार का कोई भी यहाँ से वहाँ मानव देह को व्यापार की श्रेणी से जोड़ा गया है और ये व्यापार नहीं, ये पाप है, महापाप है, महादंड के अंतर्गत ही इसको आना चाहिए। सामूहिक दुष्कर्म वही लोग कर सकते हैं जो मानसिक विकृति हों, जिनको ये मालूम हो कि ये दंड है, ये अपराध है, उसके बाद भी अगर उनकी ये इच्छा शक्ति प्रबल हो रही है तो उनको इस तरीके से न्याय प्रक्रिया से दंड देकर ये समाज में बड़ा संदेश दिया जा सकता है कि इस दंड के भागी अगर आप बनेंगे तो आपका जो है कहीं से कुछ भी रिलैक्स नहीं मिल सकता है, कोर्ट आपको अंत में निर्णय दे के आपको मौत या उम्र कैद की सजा ही देगी। किसी के प्रति कोई भी एक एप्लीकेशन चले जाने मात्र से आरोप तय नहीं होता है, और पुलिस या हमारी विधायिका ये मानती है कि जब तक कोर्ट निर्णय ना दे दे, सजा ना दे दे, तब तक उसको अपराधी भी नहीं माना जाता है। यदि किसी की शिकायत पर किसी को पुलिस ने जो है डिटेन करने की कोशिश की तो कम से कम उसको अपने लोग, अपने वकील या अपने किसी रिश्तेदार को सूचना देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है,
और मैं तो ये कहूँगा इससे कम से कम उसको न्याय मिलने में न्यायपालिका पे भरोसा पैदा होगा। जो पुलिस पकड़ती थी और उसके बाद सरेंडर करा के कोर्ट में भेज देती थी, कोर्ट के बाद वो जेल चला जाता था, 14 दिन बाद की प्रक्रिया शुरू होती थी। इसमें कम से कम उसको जानकारी होगी, उसका वकील आएगा, उसके लायर्स आएंगे, उसके अपने आएंगे, बात करेंगे। एक आजकल की बहुत बड़ी समस्या आप देख रहे होंगे मॉब लिंचिंग की, और दूसरी एक चीज़ देख रहे होंगे कि लोग एकत्र होकर बड़े संगठन में और बड़े लोगों चौराहे खड़े हो जाते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। तो इसमें जो है एक 152 IPC आपकी जो है आई हुई है, और इसमें देश विरोधी जो भी आपके जो है घटनाक्रम होंगे इनसे जोड़ के इनके नियमता इनकी जाँच की जाएगी और इन पर दंड प्रक्रिया एप्लीकेबल। इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस जो है इस आपके जो नए कानून के अंतर्गत है इसमें अनिवार्य कर दिया गया। अभी तक तमाम ऐसे जो है एविडेंस है जो इलेक्ट्रॉनिक्स थे उनको कोर्ट हमारी नहीं मानती थी, तो इनको जो है इसलिए मान्यता दे दी गई है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस एक बड़ा साक्ष्य है। देखिए किसी की वॉइस से किसी को धमकी देना और किसी वीडियो रिकॉर्ड में धमकी, दोनों में अंतर है। वॉइस का मतलब आप उसकी जांच कराएंगे, वॉइस किसकी थी, किसने बना के भेजी, किसी के फ़ोन से किए, लेकिन वीडियो में ये एकदम स्पष्ट हो जाता है किस व्यक्ति ने किसके विरुद्ध क्या कहा है। और घटना स्थल पर बिना जाए कोई साक्ष्य खतरा नहीं हो सकता है। साक्ष्य विधि क्या है? साक्ष्य विधि मतलब जो है घटनाक्रम पूरा विधिवत विवेचित होना चाहिए, लोगों के द्वारा इसको बताया जाना चाहिए, जिसे आई विटनेस भी हम कहते हैं, कि क्या घटना हुई थी या बनाई गई है। खास बात यह है कि ना सिर्फ महिलाओं का ख्याल रखा गया है कि जो रेप पीड़िता होंगी उनको हर हाल में जो है परिवार के सामने बयान दर्ज किए जाएंगे, और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये कि जो गिरफ्तार हुआ है वो भी शख्स अपने पसंदीदा व्यक्ति को सूचित कर सकता है कि उसकी गिरफ्तारी हो गई है, ताकि तत्काल उसे फ़ायदा मिल सके। और साथ में ही यह भी है कि जो मामले लगातार कोर्ट में बढ़ते जा रहे हैं उसका टाइम ख़त्म हो, तो 14 दिन 10 दिन ऐसी टाइम लिमिट भी तय कर दी गई है, ताकि जो लगातार दबाव बढ़ रहा है मामलों का कोर्ट पे वो भी घट सके। तो यकीनन ये जो 3 नए कानून हैं ना सिर्फ जनता के लिए फायदेमंद होंगे, बल्कि जो कोर्ट है उसमें भी दबाव कम होगा और जो ज़्यादा से ज़्यादा मामले हैं उनकी सुनवाई हो सकेगी और लोगों को तत्काल प्रभाव से भी लाभ मिल सकेगा। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि टाइम लिमिट तय की गई है हर एक चीज़ की, जैसे 7 दिन में किसी की रिपोर्ट है, किसी की 14 दिन में रिपोर्ट है। तो यकीनन बहुत ही खास है, दिलचस्प जो 3 नए कानून हैं और आज से लागू हो चुके हैं, और इस पर जोरों से चर्चा भी पूरे देश भर में हो रही है, जिसे जानना आपके लिए भी बहुत जरूरी है। तो ऐसी और जानकारी के जुड़े मेरे साथ, मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, न्यूज़।